हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 4, जिसका नाम है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर का सॉल्यूशन नंबर 20 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 20 का ए पार्ट मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 20 के ए पार्ट में हमें बता रखा है, पी क्यू आर इक्वल पार्टनर्स, गुडविल इज अपेयरिंग इन देयर बुक्स एट ₹4 लाख, आर रिटायर एंड ऑन द डे ऑफ आर रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यू एट ₹2,50,000, पास दी नेसेसरी जर्नल एंट्री। यहाँ पे बता रखा है कि पी क्यू आर तीन पार्टनर हैं, तीन इक्वल पार्टनर हैं, मतलब कि ओल्ड रेशियो जो होगी वो 1:1 होगी। गुडविल अपीयर कर रही है इनकी बुक्स में, बैलेंस शीट में 4 लाख रुपीज की। ये ओल्ड गुडविल है जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग दी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में ही। आर जब रिटायर हुआ बिजनेस से, तो उस वक्त जो फर्म की गुडविल थी वो 2,50,000 की थी। आपको नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे हम इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमें गेनिंग रेशियो पता करना होगा कि जब आर रिटायर हो गया तो पी और क्यू का गेनिंग रेशियो क्या होगा। इसका फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो मैंने अभी बताया कि ओल्ड रेशियो तो 1:1 था, अब यहाँ पे आर रिटायर हो गया तो जो न्यू रेशियो होगा वो 1:1 होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पी का गेनिंग रेशियो पता करेंगे। तो न्यू रेशियो 1/2 था, ओल्ड रेशियो 1/6 था, 1/3 था, माइनस करना है आपको 1/2 माइनस 1/3। एलसीएम लेने पे 6 आएगा, न्यूमरेटर में आपके पास 3 - 2 करके 1/6 आ जाएगा। तो 1/6 पी का गेनिंग रेशियो है। सेम इसी तरीके से क्यू का गेनिंग रेशियो पता करेंगे। तो यहाँ पे न्यू रेशियो जो क्यू का है वो 1/2 है और ओल्ड रेशियो 1/3 है। एलसीएम लेके 6 आएगा, न्यूमरेटर में 3 - 2 हो जाएगा, तो ये माइनस करने पे आपका 1/6 ही आएगा। तो यहाँ पे जो गेनिंग रेशियो होगा पी और क्यू का वो 1:1 होगा। अब सबसे पहले जो ओल्ड गुडविल थी 4 लाख रुपीज की, जो बुक में ऑलरेडी अपीयर कर रही है, इसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग दी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। तो इसकी जनरल एंट्री होगी पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। यहाँ पे 4 लाख रुपीज की गुडविल थी, इसको 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पी कैपिटल अकाउंट में 1,33,333 आएगा, क्यू कैपिटल अकाउंट में भी 1,33,333 आएगा और आर कैपिटल अकाउंट में 1,33,334 आएगा। रेशियो लिखिएगा गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। तो ये आपने पहली जनरल एंट्री करी। अब यहाँ पे आपको दूसरी जनरल एंट्री करनी है, जिसमें क्या होगा कि जो गेनिंग पार्टनर है ना उनके अकाउंट को आपको डेबिट करना होगा। अब यहाँ पे बता रखा है कि जब आर रिटायर हुआ तो 2,50,000 रुपीज की फर्म की गुडविल थी, तो इसमें आपको सबसे पहले आर का शेयर पता होना चाहिए। तो 2,50,000 को 1/3 से डिवाइड कीजिएगा। पहले जनरल एंट्री कर लेते हैं। मैंने बताया कि जो गेनिंग पार्टनर होंगे उनको आपको डेबिट करना है, तो पी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल अकाउंट कीजिएगा। अब 83,333 रुपीज की क्या होगी, आर का शेयर होगा गुडविल का। कैसे आया, 2,50,000 मल्टीप्लाई 1/3 करने पे ये अमाउंट आएगा। अब इसको क्या करना है, एडजस्ट करना है पी और क्यू में गेनिंग रेशो में, मतलब कि 1:1 में। तो यहाँ पे पी कैपिटल अकाउंट में भी 41,666 आएगा और क्यू कैपिटल अकाउंट में 41,667 आएगा। ऐसा क्यों आया, क्योंकि ये जो अमाउंट है ये आपका डेसिमल में आएगा, जिसको आपको राउंड ऑफ करना होगा। अब इसके बाद नरेशन लिखिएगा पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड टू रिमेनिंग पार्टनर इन देयर गेनिंग रेशियो। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।